गंगा बचाओ आंदोलन एक बार फिर दिल्ली में जोर पकड़ता दिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी चेतन चौहान। चेतन जी, आपकी नजर में ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इस आंदोलन की क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभियान बहुत ही जरूरी है। गंगा इस देश की एक पवित्र नदी है, आदि काल से लोग इसकी पवित्रता समझते हैं, इसको पूछते हैं। जब भी कोई भी गंगा स्नान का दिन होता है, एकादशी होती है, लाखों करोड़ों लोग या कुंभ मेला लगता है, लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं और उनकी ये जो मान्यता है कि जो उन्होंने पाप किए हैं गंगा में स्नान करने के बाद वो पाप जो है वो धुल जाते हैं। इसके किनारे शहर बस गए हैं जिनके प्रदूषित पानी नालों द्वारा नालियों द्वारा गंगा जी में छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा दूषित हो रही है। उसी प्रकार से दिल्ली में यमुना नदी में भी पानी छोड़ा जा रहा है इसी प्रकार के नालियों द्वारा। यमुना जी भी जो है वो दूषित हो गई है, कोई आदमी पानी पी नहीं सकता है। उसको में सफाई करना, प्रदूषित रहित करना एक अभियान इस बैठक का, इस मीटिंग का है और इसीलिए ये साधु संत और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चेतन जी, यहाँ पर कई सारे संत मौजूद हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे संत हैं जो गंगा जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद में, बनारस में, जहाँ भी आप देखें वहाँ कई ऐसे लोग हैं, तो इनके लिए आप लोगों क्या रणनीति, क्या इनका साथ आप लोग देंगे और कैसे देंगे? हमारी कोशिश होगी साधु संत, मौलवी, जत्थेदार, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब इकट्ठा हों, उत्तराखंड से लेके, गंगोत्री से लेके बंगाल की खाड़ी तक और ऊपर से लेके दक्षिण भारत तक वो सब इकट्ठा होंगे और सब लोग मिलकर अभियान जो है चलाएंगे। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर अभियान चलाएंगे तो ये जो अभियान है ये बिल्कुल सफल होगा, जरूर सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ चेतन जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं गंगा के प्रदूषण में सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ में जनता भी जिम्मेदार है। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और ये आंदोलन जो है वो देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होगा। कैमरामैन अशोक के साथ रवि दुबे, न्यूज पॉइंट दिल्ली।